हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है, काउंसलिंग का फुल प्रोसेस। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड फुल प्रोसेस देखने को मिलेगा। किस तरह से आपको काउंसलिंग में अटेंड करना है, कैसे आपको हर एक राउंड में प्रेजेंट रहना है, ठीक है, कैसे आपको कॉलेज को चूज़ करना है, ये सारा फुल डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा आप देखें। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल्स एंड गाइडलाइन नंबर वन, यहाँ देखिए, यहाँ काउंसलिंग से रिलेटेड जैसे कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, पेमेंट फ़ी, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन, ये सारी चीज़ जो है आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ओके, अब ये प्रोविजनल एडमिशन क्या है कि आपका काउंसलिंग के दौरान जिस कॉलेज में आपका नाम आता है, अगर आपको वो कॉलेज पसंद है, अगर आप उस कॉलेज में अपना डिग्री पूरा करना चाहते हैं, तो उस टाइम में अपना सीट को अलॉट करने के लिए यानी कि बुक करने के लिए एक कुछ अमाउंट पेड किया जाता है, जिसको बोले जाता है प्रोविजनल एडमिशन। अब ये अमाउंट कितना होगा ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ काउंसलिंग के 3 राउंड्स होंगे, जैसे कि अलॉटमेंट, अपग्रेडेशन एंड मॉपअप राउंड। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है काउंसलिंग और एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसीलिए राउंड 1 के पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है काउंसलिंग के लिए वो 500 रुपीज़ है। ओके, जो कि रिफंडेबल नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए, जो आपका OBC, SC, ST, ठीक है, PWD, ये सारे जितने भी सीट्स है, अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है, यानी कि SC, ST एंड OBC एंड PWD इतने जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर नहीं फुलफ़िल होता है, तो मतलब हमारा सीट अगर बच जाता है, तो उसको इन फ्यूचर में जाकर जनरल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वो खाली है तो वो खाली ही रहेगा। आगे देखिए, यहाँ 2 नंबर पॉइंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट जो है उनको अपना डिटेल्स देना नेसेसरी है, यानी कि एकेडमिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट एंड पर्सनल डिटेल्स, ये आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना ही होगा यहाँ पर, मतलब फिलअप करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो या BSc हो, यहाँ पर इन कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि आप लोग जितने भी परसेंटेज मार्क्स लाए रजिस्ट्रेशन में फॉर्म फिलअप के दौरान, वहाँ पर जितने टोटल मार्क्स आपके थे कॉलेज में एंड जितने में आपने स्कोर जितना किया था, यानी कि टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन मार्क्स, वो पूरा ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कैंडिडेट जब रजिस्ट्रेशन के दौरान जब फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो ठीक है, उसको पूरा केयरफुली फिलअप करना है, क्योंकि सबमिशन के बाद आप फॉर्म को फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के पहले ही आपको जितने भी भूल सुधारना है आप सुधार सकते हैं। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप एकेडमिक डिटेल्स एंड अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस को पेड कर देते हैं, तो इसके बाद क्या है कि आप एक इंस्टीट्यूट एंड हर एक इंस्टीट्यूट के रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है, वो सारी चीज़ को आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेस सेलेक्ट करने के बाद आप अपने अनुसार सारे इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेस को सजा कर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखने को मिलेगा, जितने से जितने ज़्यादा हो सके तो आप इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोर्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट वन, चॉइस लॉकिंग। यहाँ पर देखिए, चॉइस लॉकिंग में क्या है कि आप जितने भी इंस्टीट्यूट को चूज़ किए हैं, उसे आपको लॉक करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लॉक नहीं करते हैं, यानी कि आप लॉक करना भूल जाते हैं, तो लास्ट में आपने जिस भी चीज़ को चूज़ करके रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा और वही जो आपका फाइनल सेलेक्ट इंस्टीट्यूट बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राउंड 1 के दौरान कैंडिडेट को जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट किया जाता है, तो उसे 5,000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस के रूप में देकर अपने सीट को बुक करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो वो सीट उसका कैंसिल हो जाएगा। ओके, इन फ्यूचर में वो उस अलॉटमेंट से उस सीट को बुक नहीं कर सकता है। अगर कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में जो सीट उसको अलॉट हुआ है, उसे अगर वो बुक करना चाहता है, तो वो उस अलॉटमेंट लेटर के साथ अपने पूरे क्वालिफिकेशन के एकेडमिक डिटेल्स को उस इंस्टीट्यूट में ले जाना पड़ेगा एंड अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। इसके साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। देख लीजिए, जितने भी ये क्लास 10 के एडमिट कार्ड
उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर हो तो वो, इसके बाद आपका मार्कशीट, डिप्लोमा हो या बीएससी हो, जैसे भी कैंडिडेट हो, या 12 पास के मार्कशीट, उसके साथ आपको वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, एससी एसटी ओबीसी के भी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर आप जनरल होंगे तो उसके लिए आपको किसी भी सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी क्राइटेरिया में होंगे एससी एसटी ओबीसी, तभी आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट अलॉटमेंट के दौरान कैंडिडेट का इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपका वो सेकेंड राउंड के लिए वो चला जाता है, ओके। और अगर उस फर्स्ट अलॉटमेंट में अगर वो उसका उस कैंडिडेट के उस इंस्टीट्यूट में अगर नाम आ जाता है तो वो चाहे तो काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में बैठ भी सकता है और नहीं भी बैठ सकता है, ओके। नेक्स्ट वन फिर से अगर काउंसलिंग होगा, अगर राउंड चलता है, अगर उसका किसी दूसरे कॉलेज में अगर नाम आता है, अलॉट होता है, तो वो अगर चाहे तो वो उस कॉलेज में भी अपना नाम को एडमिशन करवा सकता है, पर सीट को बुक करवा सकता है, पर यहाँ पर आपको फिर से 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है, ये क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं होता है, ओके। आप जितने बार सीट को बुक करिएगा उतने बार आपको 5000 करके अमाउंट देना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट फाइनल राउंड तक यानी कि मॉपअप राउंड तक जाता है, ये हमारा ऑप्शनल राउंड है। अगर किसी कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अगर नाम नहीं आता है, बहुत सारे का आता भी है, तो वो फिर भी रुक जाते हैं क्योंकि उनके मन पसंदीदा कॉलेज उन्हें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शनल कॉलेज होता है मॉपअप राउंड, ये एक ऑप्शनल राउंड है, ओके। तो यहाँ से क्या है आपका, ये इसको आप फाइनल राउंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट आकर अपने कॉलेज को चूज़ कर लेते हैं। इसके लिए देखिए 200 रुपया फ़ीस लगता है मॉपअप राउंड के लिए, अलग से आपको 200 रुपया फिर सिर्फ पेड करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में बैठने के लिए 500 रुपीज़ लगता था, पर ये मॉपअप में बैठने के लिए 200 रुपया अलग से फिर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके। और मॉपअप राउंड में जितने भी फिर से आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगा, यहाँ पर आपका जितने भी सीट्स होंगे सब न्यू सीट्स होंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, अगर कोई कॉलेज आपको आता है नाम तो वहाँ पर आपको 5000 रुपीज़ देकर सीट को बुक करना पड़ेगा, और ये एक ही बार होता है मॉपअप राउंड, जिसको हम लोग फाइनल राउंड भी बोलते हैं। देखिए इसके अलावा बोल रहा है राउंड वन और राउंड टू में जिसके भी कैंडिडेट का नाम आ चुका है इंस्टीट्यूट में, अगर उनका मॉपअप राउंड में अगर नाम नहीं आता है, ठीक है, अलॉटमेंट नहीं होता है वो जिस कॉलेज के लिए चूज़ करना चाहते हैं, एंड राउंड वन एंड टू में वो 5000 देकर अपनी सीट को बुक कर चुके हैं, तो वो फिर से उस कॉलेज में अपने नाम को लिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है अगर किसी कैंडिडेट के सेकेंड राउंड में कोई इंस्टीट्यूट में अगर नाम आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनका नाम को कैंसिल कर दिया जाता है, एंड मॉपअप राउंड में फिर से अगर उसका वो नाम आता है तो वो उस कॉलेज में अपना नाम को कंटिन्यू लिखा सकते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट हमारा जनरल रूल, जहाँ पर देखिए आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके आपका जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है या किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं कॉल करके, ओके। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक सीट कैटेगरी अपग्रेडेशन, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अगर एडमिशन के दौरान ऑटोमेटिक जो है आप जिस इंस्टीट्यूट में जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का वैकेंसी ऑटोमेटिक वो बढ़ सकता है, ठीक है, वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। रिफंड एंड विड्रॉल कैंडिडेट कर सकते हैं मनी को जिस कॉलेज में वो एडमिशन नहीं लिए हैं, जिस कॉलेज में वो आपका सीट को बुक करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस जो दिए थे 5000 रुपीज़ वो वहाँ से क्लेम कर सकते हैं अपने निकालने के लिए, ओके। वो जो है 60-90 डे के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा हिट कर जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ओके। बस इतना ही हमारे जानने के लिए था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बोल दें, और किस तरह का आपको वीडियो चाहिए उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर करें।